कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलन, वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएससी की तैयारी आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा रहे हैं। और मैंने पहले बताया था आपको कि जो टाइम एंड वर्क है आपका दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट आपको रिलीज हो चुका है, ठीक। टाइम एंड वर्क इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको उसके साथ में क्या करेगा, यूनिटरी मेथड हुआ आपके साथ में, आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स हुआ, उसको साथ में सब चीज़ कवर कराता है। और हर एग्जाम में एक से दो नंबर क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है, ठीक। कॉन्सेप्ट आपने पिछले वीडियो में पूरा समझ लिया है, अब उसी क्वेश्चन को आगे आप रखते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चार पुरुष किसी काम को 24 दिनों, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आप क्या करेंगे, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे ना, पूरे सारे क्वेश्चंस को, उससे मैंने क्या किया, सारे वैरायटी को कवर किया आपको, ताकि आपको मालूम चले कि व्यक्ति जब जाता है, व्यक्ति जब आता है, काम को कैसे यूनिट्स में डिवाइड करना है, कब एलसीएम मेथड लेना है आपको, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। समावेश इसमें कम क्वेश्चंस का किया गया, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का किया गया, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग पढ़ना ना पड़े, आपको आपको कम में क्या हो जाए, पूरा कोर्स आपका कवर हो जाए आपको, और आपको सिलेक्टेड मेटल आपको पढ़ना पड़े जो आपको एग्जाम में काम में आने वाला है, ठीक। ये आपको बोल रहा है कि आपको बोला है चार पुरुष किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 9 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मतलब आपके पास चार मेल है, 24 डेज है और एक काम को पूरा कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मेल एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 × 4, ठीक है। फिर हमको दूसरा बोल रहा है 9 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। आपको 9 फीमेल है और आपके पास 32 डेज है और काम है आपके पास एक, ठीक है। तो एक फीमेल एक दिन में कितना काम करेगी, तो ये हो जाएगा 1/ यहाँ पर 9 × 32। ये इनका क्या होगा, एक पुरुष का एक दिन का काम और एक महिला का एक दिन का काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर काम को बोल रहा है कि आपको काम को बोल रहा है कि 6 पुरुष और 18 महिलाएं, 6 पुरुष और 18 महिलाएं। अगर एक पुरुष का एक दिन का काम आपको ये मिल चुका है, तो एक पुरुष अगर 6 पुरुष एक दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 4 = 1/16 क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। इन्होंने 1/16 काम कर लिया है और फिर आपको बोल रहा है 18 महिलाएं, तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई किए एक बार में, और 9 से 1 बार में, 9 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 16 बार में, तो ये कितना हो गया, 1/16। तो पुरुषों के द्वारा 1/16 काम किया जा चुका है और महिलाओं के द्वारा भी 1/16 काम किया जा चुका है, तो 2/16 हुआ 1/8। मतलब अगर वह जो ग्रुप है 6 पुरुष और 18 महिलाओं का, अगर वो पूरा मिलके एक दिन में काम करते हैं तो 1/8 काम हो रहा है। तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, पूरा काम वह 8 दिनों में करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियसली एक चीज बताया था आपको, वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक। जो उस वीडियो को स्किप किया होगा, इस वीडियो को देख रहा होगा, उनके लिए बता दूं, आपके पास वेरिएशन दो तरीके से होता है। एक वेरिएशन हमारे पास क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है, जिसमें मल्टीप्लाई सीधे तरीके से करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, जिसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनवर्स में क्या होगा, अगर मान लो एक चीज बढ़ेगा, जैसे आपके पास ये एलिमेंट अगर आपके पास इंक्रीज है तो ये एलिमेंट क्या होगा, डिक्रीज में होगा, और अगर ये एलिमेंट अगर आपका डिक्रीज में है
ये एलिमेंट आपका इंक्रीज में होगा तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं, आपके पास 10 व्यक्ति हैं और वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं, तो अभी 10 लोग 18 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर सपोज 10 की जगह अगर मैं बोला यहाँ काम 20 लोग कर रहे हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम करने के लिए लिए गए दिनों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, कम होगा, तो 18 तो लगेगा नहीं, 18 से यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर 18 से यहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इस 10 पुरुष की जगह अगर मैंने बोला यहाँ काम 5 पुरुष करते हैं, तो ऑब्वियसली दिनों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन हमारे पास होगा, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्ट में क्या होगा, अगर मैंने सपोज बोला आपके पास कि 10 टॉफी 50 रुपए का है, 10 टॉफी 50 रुपए का है, तो एक टॉफी कितने का होगा, 5 रुपए का होगा, और 20 टॉफी कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, ठीक है, ये हम समझ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी टॉफियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रुपए भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और फिर हम देखेंगे टॉफियों की संख्या बढ़ रही है तो रुपए की संख्या भी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन। और इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, ऐसा क्रॉस होता है, देख लीजिएगा वैल्यू आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वैल्यू है यहाँ पर ये इक्वल आएगा और यहाँ पर ये आपका जो वैल्यू होगा इसको अपन लोग एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 18 बराबर 20 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 को नीचे ला लेंगे तो एक बार में, दो बार में, और ये कितना हो जाएगा 9, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 9 आ रहा है, मतलब दिन की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ध्यान देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बोला है कि 16 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, आपके पास काम करने वाले व्यक्ति आपके पास 16 है, दिन आपके पास 10 है, ठीक है। हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है, कितने व्यक्ति लगेंगे अगर काम को क्या करना है, 20 दिनों में समाप्त करना है, कितना करना अपने पास, 20 दिन में। अब अपन देखेंगे दिनों की संख्या बढ़ रही है, अगर 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अब यहाँ पर दिन 10 की जगह यहाँ पर क्या करना है, 20 दिन करना है, तो दिनों की संख्या बढ़ रही है, व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, तो व्यक्ति का अपन क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक, इनवर्स वेरिएशन है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा 10 एक बार में, 10 दो बार में, और ये कितना हो गया, 8, ये हमारा आंसर। सेम उसी का है, आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम उसी का है, ठीक, ये ई की माता थोड़ा सा वो हो जा रहा है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये समझिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और ये वाला, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो ठेकेदार ने क्या किया है, वहां एक काम को करने का ठेका लिया है, कितने दिन में करने का, 60 दिन में, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो वह 20 और श्रमिक को नियुक्त करता है, आदमी बढ़ेगा तो दिन क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते स्टार्टिंग में एक्स आदमी थे, इन्होंने क्या किया है, 60 दिन में काम करने का ठेका लिया, लेकिन ऐसा है कि अब वह व्यक्ति काम करने के लिए क्या सोच रहा है, 50 दिनों में करेगा, और व्यक्ति एक्स की जगह 20 में वृद्धि हुआ है, क्योंकि 20 और लगा रहे हैं यहाँ पर, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, दिन की संख्या बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या होंगे, कम होंगे, व्यक्ति बढ़ेगा तो दिन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो ये हो जाएगा 60x इक्वल टू 50x प्लस 1000, माइनस करेंगे तो 10x, है ना, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x इक्वल टू 1000, ये कटा, x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, x यहाँ पर क्या हुआ 100 हुआ, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे हमारे पास, 100 व्यक्ति थे। इसके सारे क्वेश्चंस आपके MCQ में आपके जितने क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि CSAT का लेवल क्या इंक्रीज हो गया, तो आपको मैं उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना है और काम के क्वेश्चंस पढ़ना है, ताकि आपको CSAT में कोई तकलीफ ना हो,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा ध्यान देखिएगा, यही आपका इनवर्स रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, हम इस पहले बना चुके थे, ध्यान देखिए। यहाँ आपको अलग अलग है, तीन पुरुष हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है साथ में यहाँ पर, क्या महिलाएं। चलिए हमने यहाँ पर महिलाओं को बेस लिया, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है नंबर ऑफ फीमेल है और यहाँ पर डेज है। ठीक, आपके पास चार फीमेल है और कितना ले रहे हैं, 36 दिन ले रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन आपको दी है, तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो तीन मेल होंगे ना, 4 फीमेल के बराबर होंगे। तो आपके पास जो एक मेल होगा वो कितना होगा, 4/3 फीमेल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 9 पुरुष के साथ में 12 महिलाएं दी, और बोलो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 9 पुरुष मतलब 9 मेल होंगे, 9 × 4/3 फीमेल प्लस 12 फीमेल, 3 × 4 = 12 फीमेल, 12 फीमेल कितना हुआ, 12 और 12 कितना हो गया, 24 फीमेल। तो हमको ये निकालना है कि 24 फीमेल इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, वेरिएशन आपका इन्वर्स है, क्योंकि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। तो 4 एक बार में 4 6 बार में 6 1 बार में 6 6 बार में, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अलग अलग बुकों में देखेंगे तो कुछ जगह क्या होगा, आपको एक टॉपिक अलग से दिया रहेगा, यूनिटरी मेथड एक एक नियम करके दिया रहेगा, और कुछ जगह यहाँ पर वो क्या करेगा, वो टाइम एंड वर्क के साथ में मर्ज करेगा। ठीक है, तो एक एक नियम में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास व्यक्ति देगा, मतलब जो आपके पास वर्किंग कैरेक्टर है, आपके पास क्या करेगा, आपके पास वहाँ पर क्या देगा, वर्किंग कैरेक्टर देगा। ठीक है, वर्किंग कैरेक्टर मतलब जो काम करता है, जैसे कुछ श्रमिक काम में लगाए गए है ना, 10 व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं। ठीक, या आपको बोला है कि मकड़ियाँ जाला बुन रही हैं, भैंस भूसा खा रही है ना, शिक्षक वो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वो जितना काम हो रहा है ना, काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो सब के सब यहाँ पर क्या होंगे, वर्किंग कैरेक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टाइम फैक्टर होगा, हमारे पास क्या होगा, टाइम फैक्टर होगा। ऑब्वियसली कोई सा भी काम करना, जैसे ठेका श्रमिक, वहाँ पर जो श्रमिक है ठेका जो में काम कर रहे हैं, उनको मान लो आपको बोला है कि पेंट करना बोला आपको घर को, या आपको बोला है दीवार बनाने बोला है आपको, या मकड़ी जाला बुन रही है, या गाय भूसा खा रही है, ऐसा कुछ भी होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ काम होगा, कुछ काम होगा, तो यहाँ पर काम क्या होगा, समय भी लगेगा। तो समय आपको क्या दे सकता है, समय आपको दिन में दे सकता है, समय आपको घंटे में दे सकता है, समय आपको मिनट्स में दे सकता है, समय आपको सप्ताह में, आपको किसी में भी दे सकता है आपको। ठीक, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा, काम होगा, काम कोई सा भी हो सकता है, काम एक काम हो, काम दो काम हो, बिल्डिंग बनाने काम हो, जो भी होगा। तो याद रखिएगा कि वर्किंग के साथ जो भी टाइम फैक्टर होगा, वर्किंग के साथ जो भी टाइम फैक्टर होगा, वो हमेशा इनवर्स वेरिएशन में आएगा, हमेशा किस में आएगा, इनवर्स वेरिएशन। और हम ये जानते हैं कि इनवर्स वेरिएशन हमेशा किस में होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद काम जो भी होगा और जो भी रुपीस फैक्टर होगा, काम और रुपीस फैक्टर होगा, वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, उसको मल्टीप्लाई हम रॉस में करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब अगर सपोज मान लो आपको काम बीच में दिया हुआ है, दिन आपको बाद में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको इसी सीक्वेंस में आपको जमाना पड़ेगा। ये सीक्वेंस देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं M1 D1 T1 M2 D2 H2 ये सब फॉर्मूले मैं याद करके रखूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं एग्जाम टाइम में। तो आपको सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि कब आपका वेरिएशन जो है आपका इन्वर्स है और कब आपका डायरेक्ट है, आपको सिर्फ उतना याद रखना, और कोई याद रखना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पास काम करने वाले कितने आदमी हैं, आपके पास काम करने वाले पास 16 आदमी हैं। तो हम पहले ले लेते हैं पर्संस ले लेते हैं, आपके पास दिन भी दिया हुआ है और आपके पास आर्स भी दिया हुआ है और आपके पास वर्क भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है 16 आदमी 20 मोबाइल बना रहे हैं, 10 दिन में प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं। ठीक, अब 24 व्यक्तियों को 8 दिनों में
24 व्यक्तियों को दिनों में 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन आपको निकालना है और आपको कितना बनाना है, आपको 40 आपको मोबाइल बनाना है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, दिनों की संख्या। तो हम ये समझ गए हैं कि व्यक्ति के साथ जो भी आपका टाइम फैक्टर होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा, जो भी आपके पास काम होगा वो क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन होगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई, टेढ़ा मल्टीप्लाई, सीधा सीधा और टेढ़ा मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 16 × 10 × 6 × 40 / यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 24 × 8 × 20 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा एक बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो बार में। ठीक है, 8 2 बार में 8 3 बार में 3 1 बार में 3 2 बार में। ठीक, दो दिन यहाँ पर कितना हुआ, 4। कितना हुआ हमारे पास, 4 हुआ। ठीक है, कितने दिनों आवश्यकता है, ठीक, हमारे पास कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, दो दिन 4 हुआ यहाँ पर, और कुछ बचा है क्या, नहीं, 4 1 बार में 4 2 बार में। ठीक है, दो दो भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 10। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ याद रखना है। आपका क्या याद रखना है, आपको आपको सिंपल सा चीज़ याद रखना है, वो आपको याद रखना, टाइम फैक्टर और वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम परिपेक्ष के हिसाब से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको बोला है, ध्यान देखिएगा। 12 male + 16 female, ठीक है, ये काम को 5 दिनों में काम को समाप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या 12 m + 16 f किए, मल्टीप्लाइड बाई 5 डेज तक किए, काम समाप्त। 13 m + 24 f किए, ये कितना दिन, अच्छा 10 दिन है ना, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 10 दिन है। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 8, और ये काम समाप्त। ठीक है, 120 m + 160 f = 108 m + 192 f बराबर हुआ। यहाँ लेके अपन आए, माइनस किए तो यहाँ पर कितना हुआ, है ना, सॉरी 38 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 104। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 16 m = क्या हो जाएगा, 32 f। तो जो 1 m है ना, ये क्या हो जाएगा, एक बार में दो बार में 2 f के बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, मेल और फीमेल का रेशियो निकालें। तो यहाँ से क्या निकालें, ये जो 1 man है ना, 2 female के बराबर। अच्छा चलिए हम इसको बेस लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, 12 male + यहाँ पर क्या बोला है, 16 female। तो यहाँ पर 1 male 2 female के बराबर है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, 24 + 16 कितना हुआ, 40। तो इसका मतलब, अब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखना, कितने फीमेल हो गए, 24 और कितना, 16 कितने, 40 हो गए। 40 फीमेल कितना दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 5 पुरुष और 10 महिलाएं, 5 male मतलब 5 × 2 कितना हुआ, 10। 10 और 10 कितनी फीमेल हो गई है, 20 female। तो 20 female इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको 5 पुरुष और 10 महिला उस पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, आपको ये बोला, आपने पास इक्वेशन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 20 से 1 बार में 20 से 2 बार में 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको बोला है 14 male एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 male एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 1 male का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/14 × 18। ठीक है, फिर आपको दिया है कि 15 female कितना दिन ले रहे हैं, 24 दिन, मतलब
एक फीमेल एक दिन में, ठीक है, कितना काम करेंगे? 1/15 × 24, ये हम समझ रहे हैं, ठीक। आपको यहाँ पर क्या बोला है, पूरे 14 फीमेल 3 दिनों तक काम कर रहे हैं। पहले 3 दिन तक पूरे 14 फीमेल काम कर रहे हैं, तो काम का कितना भाग समाप्त हो चुका है? कैंसिल हुआ 6, तो 1/6 ये पूरा समाप्त हो चुका है। और 10 महिला उसके बाद 3 घंटे तक काम करती हैं। 10 महिलाएं कितने दिन तक? 3 दिन तक। 10 महिलाएं कितने दिन तक? 3 दिन तक। 1 बार में 8 बार में, ठीक है, 5 3 बार में, 2 1 बार में 2 4 बार में, तो कितना हुआ? 1/12 काम। तो पुरुषों के द्वारा 1/6 काम समाप्त किया जा चुका है, महिलाओं के पास 1/12 काम समाप्त किया जा चुका है। तो 1/6 + 1/12 = लघुत्तम आपके पास 12 हुआ, 2 और 1 = 3/12, इसका मतलब 1/4 काम समाप्त हो चुका है। मतलब आपके पास पूरा काम, हमेशा याद रखते हैं, वन डे में क्या लेते हैं अपन, 1 लेते हैं, तो 1 में 1/4 कार्य समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना कार्य है? 1 - 1/4 = 3/2, ये हमारा आंसर। लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, काम को करने का ठेका लिया है, उसने कुछ प्लान किया है कि इस पर्टिकुलर डेज में आपको करना है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होता है तो उसको मालूम चलता है कि यार जिस गति से काम हो रहा है ना, उस गति से अगर मैं करते रहा तो निश्चित समय में कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उस समय क्या होगा, दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर क्या करेगा, उतने ही मजदूर से दिनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मान लो वो ये निश्चय किया है कि काम को आपको टाइम पे ही पूरा करना है, तो क्या करेगा, व्यक्तियों की संख्या क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने शुरुआत में यहाँ पर क्या किया कि 50 दिनों में काम करने का पूरा वादा किया और 50 दिनों में काम करने के लिए निश्चित संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया। तो पहले क्या मान लेते हैं, पहले उसने क्या किया, एक्स वर्कर्स को लिया काम को करने के लिए, कितने दिन में किया अपने पास, 50 दिन में करने का लिया, ठीक है। लेकिन क्या किया, सिर्फ आपका आधा ही काम हो पाया है। कितने दिनों में पूरा काम उसने क्या सोचा, 50 दिन में करेगा, लेकिन क्या कर रहा है, वह 30 दिन बाद अगर वो एक्स आदमी लगा रहा है और 30 दिन तक काम करा रहा है, तो काम तो ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन काम कितना हो रहा है, सिर्फ आधा काम हो रहा है। अब काम को समय में पूरा करना है, भाई काम को समय में पूरा करना है ना, तो काम को क्या करना है, 50 दिनों में पूरा करना है, तो 30 दिन तो गुजर चुके हैं, तो बचे कितने दिन आपके पास, आपके पास बचे 20 दिन हैं, और काम कितना बचा है आपके पास, 1/2, क्योंकि वो बोला है ना कि 30 दिनों में केवल आधा ही काम पूरा हो पाया है। अब व्यक्तियों की संख्या पहले कितना था, एक्स था, अब क्या कर रहा है, वो 20 श्रमिक और लेके आ रहा है, ठीक है, 20 श्रमिक को और लगाया गया, तो आपके साथ वर्क काम करने वाले वर्किंग कैरेक्टर ये हुआ, नंबर ऑफ डेज हुआ, ये हमेशा क्या होता है आपके पास, होता है इनवर्स वेरिएशन, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सीधा सीधा होगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वर्क है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वर्क आपका सेम है तो वर्क आपका कट गया। इधर मल्टीप्लाई किए तो 30x हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो आपके पास 20x हुआ, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, 400 हुआ, माइनस किए तो 10x = 400 कटा, और x इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, 40, ये हमारा आंसर होगा। तो बोलेगा शुरू में कितने लोग आए थे, तो अपना क्या हो जाएगा, 4। बहुत बार आपको क्या करेगा, यही पूछेगा कि वर्तमान में कितने लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में क्या करते हैं, हम x को टिक मार लेते हैं, 40 को राइट कर देते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा उसका अवेयरनेस रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेयरी फार्म में 40 गायें 40 दिनों में 40 बोरी भूसा खाती है, ठीक है, एक गाय। अब वर्किंग कैरेक्टर कौन हुआ, अब हमारे पास जो वर्किंग कैरेक्टर है वो कौन है, हमारे पास गाय है, कितने गाय हैं, 40 गायें, दिन कितना है, 40 दिन है। अब काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पे जो वर्क है ना, काम क्या हो रहा है, भूसा खाने का काम हो रहा है, और भूसा कितना खा रहे, 40 बोरी भूसा खा रहे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एक गाय
एक बोरी भूसा को खाने में कितना दिन लगाएंगे? ठीक है, तो अब दिन बोला मतलब एक्स हो गया। ये इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ। तो ये जो 40 होगा ऑब्वियसली 40 एक्स बराबर इसके बराबर हो जाएगा, तो 40 40 अपन लोग काट दिए, तो बचा यहाँ पर क्या 40, ये 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बकरी, आपके पास बकरी दिया है और साथ में क्या दिया, गाय। ठीक है ना, सिंपल सा। ठीक है, हाँ अंग्रेजी में लिखा हूँ। ठीक, 21 और 15। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 35 गाय निकालना। ऑब्वियसली गाय की संख्या बढ़ेगी तो बकरी भी संख्या यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कोरिलेटेड है ना। और अगर सपोज गाय की संख्या कम होगी तो बकरी भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x निकालेंगे तो 5 से कितने बार में, है ना, 5 से काटे तो यहाँ पर 3 बार में, 5 से काटे कितने बार में, अपने पास 7 बार में। ठीक, 3 एक बार में, 3 7 बार में, 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49। अगर मल्टीप्लाई में किस तरीके से काटो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो सिंपल तरीका आप क्या कर लेंगे, 21 × 35 = x × 15, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ना, हम वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। नीचे क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 7 × 5 = 3 × 3 = 7 क्या हो जाएगा, 49। ये अपना आंसर। मैथ्स को बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस जब करते रहेंगे ना, और जब आपसे क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैथ्स से आपका लगाव बढ़ जाएगा। तो इसका बेनिफिट है बहुत बड़ा। एक बेनिफिट ये है कि आपका इजीली सी सेट आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस एमसीक्यू के माध्यम से क्या होगा कि आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, लाइक आपका हॉस्टल वार्डन हुआ, है ना, फिर आपका सपोज पटवारी निकलने वाला है, जो अपकमिंग व्यापम के एग्ज़ाम्स है ना, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और यही पैटर्न चलेगा। और मैं पहले से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लेवल को इंक्रीज करा के पूछेगा। वो ज़माना अलग था जब आप RS अग्रवाल, SD यादव, आप ये सब पढ़ के चले गए और आपको प्रश्न वहाँ से पूछता था, अब नहीं है। अब आपको अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखेंगे वापस, जो पिछले साल का पेपर था ना, उसको अगर आप ध्यान से अगर एक एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, फ्रैक्शन का हो, सिंप्लीफिकेशन का हो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का हो, वो लेवल इस लेवल पे ले गया है ना, कि जहाँ पर वो बोल सकते हैं आप कैट, मैट, बैंक, PO लेवल, SSC, CGL लेवल आपको वहाँ पर ले गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल, सो यू कैन नॉट बी एट द सेम प्लेटफॉर्म एंड थिंकिंग अबाउट द हाई लेवल। ठीक है, तो हमको लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए ये MCQ सीरीज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। चलिए अगला आते हैं, इजी है, इजी है, अब आप लोग आराम से कर लेंगे। ट्राई करिए, ट्राई करिए। बस वही फंडा चलाना है अपने पास। करिए करिए। वर्किंग कैरेक्टर, नंबर ऑफ डेज, आवर्स, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए। काम करने वाले पर्सन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डेज भी दिया हुआ है, साथ में आपको आर्स भी दिया हुआ है, और आपको वर्क। ठीक, 39% 5 घंटे 12 दिन एक सड़क की मरम्मत करते हैं, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे, सिंपल सा है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधा सीधा टेढ़ा, सीधा सीधा टेढ़ा, क्यों, यहाँ पर क्रॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्क से रिलेटेड है, और ये आपका है व्यक्ति के साथ क्या है, टाइम फैक्टर। तो 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में हम काटते हैं। ठीक है भाई,
तो 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 2, 13 × 13 = 1 उपनों में थोड़ा बहुत हो जाता है ना, ये 3 × 3 = 3, 1 × 3 = 13 सो आवर आंसर इज 13। आगे आने वाला पाइप और टंकी भी, ठीक है, ध्यान देखो, ध्यान देख लो। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, इजी है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। 5/8 काम कितना दिन? 10 दिन। पूरा कार्य एक लेके चलते हैं तो 5/8 हो चुका है, तो बचा कितना है? 3/8। एकदम सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। 5/8 10 के बराबर है तो आपको ये पता करना है कि 3/8 किसके बराबर है। 5 अगर 10 के बराबर है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 10 आया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6 आया। तो 6 हमारा आंसर। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो पहला काम आपको जज करना होता है कि वेरिएशन आपका डायरेक्ट है कि इनवर्स है। ये आपको पहला चीज आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बोला है कि एक रस्सी एक बेलन की परिधि को 70 चक्कर लगा सकती है, जिसकी आधार त्रिज्या यहाँ पर क्या दिया? 14 सेंटीमीटर है। या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को कितने बार चक्कर लगा सकते हैं? चलिए देखिए, ऐसा मान लेते हैं एक आपके पास रस्सी है, एक आपके पास लंबी सी रस्सी है। उस लंबी की रस्सी को अगर मैं सपोज इसमें लपेटा तो 70 चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है ना वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगर सपोज मैं इसको मोटापा कर दिया, अब मैं इसको क्या कर दिया, अब ये जो इतना मोटा था ना, अब उसकी जगह इसका मोटापा बढ़ के आपके पास ये हो गया। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, अब जो पहले इसमें रस्सी जितना चक्कर लगाती थी, रस्सी का लेंथ आपके पास निश्चित है, पहले इसमें ज़्यादा चक्कर लगा सकती थी, अब अगर सपोज इसका मोटापा आपका बढ़ गया तो चक्कर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो वेरिएशन कौन सा हुआ? इनवर्स वेरिएशन हुआ आपके पास, ठीक है। तो पहले पास आपके पास कितना हुआ? 70 राउंड हुआ आपके पास। यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, पहले कंडीशन अपन जाके देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, पहले कंडीशन पे जो हमारे पास हुआ, पहले कंडीशन में हमारे पास कितना दिया? हमारे पास 70 राउंड दिया हुआ है, और रेडियस हम कितना दिया? हमारे पास 14 दिया। अब अगर ये 20 हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कटा, ये कटा, 2 से 1 बार में 2 से 7 बार में वेरिएशन इन्वर्स है, तो सीधा मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, और एग्जाम पूछे वो सब लेके आए हैं। पर्सन दिया हुआ है, आर्स दिया हुआ है, और डेज दिया है, और आपके पास वर्क दिया है। कितने आदमी हैं? 8 आदमी। कितने घंटे? 9 घंटे। कितना दिन? 10 दिन में। काम क्या हो रहा है? काम देखना, काम आपके पास क्या हो रहा है? 18 मीटर, 2 मीटर और 12 मीटर ऊंची दीवार बना रहे हैं, ये हमारे पास काम है, ठीक है। हमको 32 मीटर, 3 मीटर और 9 मीटर के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 6 घंटे और 8 दिनों में करना है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, सेट करके देखना पड़ेगा कहाँ 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 पर किस किस तरीके से आता है, ठीक है। ये हमारे पास पहला हुआ, ठीक। अब आप तो समझ ही गए हैं वेरियस और क्या बोलते हैं वेरिएशन इन्वर्स और डायरेक्ट, आप समझ ही गए हैं। ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ना। तो जब बात एक्स का हम यहाँ पे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, 8 × 9 × 10 × 32 × 3 × 9 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 × 8 × 18 × 2 × 12, ठीक है ना। यही कंडीशन हमारे पास, हाँ यही हमारे पास, ठीक है। 8 कट गया, ठीक है,
आठ आठ यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नौ एक बार में, नौ दो बार में, ठीक। और कुछ दिया है क्या हमारे पास? अच्छा, और कहीं पे कुछ देखिए, ध्यान देखिए आप, ठीक है। बारह तीन एक बार में, तीन चार बार में, चार एक बार में, चार आठ बार में, ठीक है। छः दूनी कितना हुआ, यहाँ पर कर लेते हैं बारह, ठीक। तीन से चार बार में, तीन से चार बार में, तीन से तीन बार में, ठीक है ना। चार से एक बार में, चार से दो बार में, ठीक। ये दो दो भी कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना यहाँ पे, दस, और यहाँ पे क्या बचा, तीन। दस दिया कितना हो गया, तीस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, एक शिविर में यहाँ पर क्या बोल रहा है, 120 पुरुष या 200 बच्चों के लिए भोजन होता है। मतलब या तो आपके पास क्या होगा, आपके पास या तो 120 मेल होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा 200 चाइल्ड होगा। ये दोनों यहाँ पर क्या होगा, बराबर है, क्योंकि भोजन या तो 120 मेल खा सकते हैं या फिर 120 मेल खा सकते हैं या फिर 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं। तो जब मैं देखूँगा तो एक जो मेल होगा वो 200 अपॉन यहाँ पर क्या होगा, 200 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 120 चाइल्ड के बराबर होगा। काट देंगे 40 से, तो 5/3 सी। तो पहला ये निकला कि 1m इज इक्वल टू 5/3, यहाँ पर क्या निकला, सी निकला। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो 1c है ना वो 3/5m के बराबर होगा। मैं दो तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। 150 बच्चों ने खा लिया, 150 बच्चों ने खा लिया, 200 में से 150 बच्चों ने खा लिया, तो बचा कितना है, 50 बच्चे बचे, मतलब 50 चाइल्ड बचे हैं। एक चाइल्ड किसके बराबर है, 3/5 मेल के बराबर है। तो इंटू 3/5 किए, 5 एक बार में, 5 10 बार में, 10 ये कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स चालू हो चुका है। अच्छा, पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कॉम बताता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक। क्या होगा, आपके पास अगर सपोज है कि आपके पास एक टैंक है, वो टैंक को यहाँ पर क्या करेगा, अगर उस टैंक को कोई सा भी पाइप यहाँ पर क्या करेगा, फिल करेगा, भरेगा, यहाँ पर क्या करेगा, फिल करेगा, भरेगा, तो हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। और अगर वो एम्प्टी करेगा, खाली करेगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, उसको माइनस में लेंगे, ठीक है। एग्जाम का लेवल बढ़ा दिया आपको, पहले बताया। आजकल क्या करेगा, आपके पास ना दो ऑप्शन देगा, दो ऑप्शन मतलब चार में से दो ऑप्शन आपको देगा टंकी कितने देर में भरेगा, और दो ऑप्शन देगा आपको टंकी कितने देर में क्या करेगा, खाली करेगा। तो पहला काम आपको जज ये करना होगा कि टंकी पूरा भरेगा कि पूरा खाली होगा, पहला काम आपको वो जज करना होगा। दूसरा काम क्या निकालना पड़ेगा, अब वो भरेगा या फिर क्या करेगा, खाली करेगा। ऑब्वियसली भरने का स्पीड कम है और निकलने का स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा, टंकी क्या होगा, खाली होगा। और अगर सपोज भरने का स्पीड ज़्यादा है, निकलने का स्पीड कम है, तो टंकी आपको हमेशा क्या हुआ, भरा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन था ना, आपके पास इस क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो है अपने को, 15 और यहाँ पे साथ में क्या दिया, 20 मिनट भर सकते, एक साथ खोल दिया, लेकिन यहाँ पे 4 मिनट बाद उसको यहाँ पर बंद किया जाता है, ठीक। चलिए अगर आप देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ करना, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे उसको अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। वनडे मेथड लगाइए, सेम वही है, टाइम एंड वर्क का, अपन जो टाइम एंड वर्क किए थे ना वो पाइप्स एंड सिस्टम्स में, जैसे उसमें एक दिन का काम होता था, तो वैसे यहाँ पे एक मिनट का, एक घंटे का आपको निकालना है। पाइप और टंकी में टाइम एंड वर्क का वनडे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। ये आपको बोला है पाइप आपके पास ए है, ए भी यहां पर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, और आपके पास पाइप बी है, पाइप बी भी यहां पर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ये फिल कर रहा है उसको 15 मिनट में, और ये इसको फिल कर रहा है 20 मिनट में, ठीक है। अब ए इसको 15 मिनट में फिल कर रहा है, तो ए एक मिनट में कितना फिल करेगा, 1/15 फिल करेगा, और बी एक मिनट में कितना फिल करेगा, 1/20 फिल करेगा। अगर दोनों एक मिनट तक काम करते हैं तो कितना पोर्शन होगा, दोनों का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, मतलब 7/60,
एक मिनट में दोनों मिलके फिल करते हैं, ठीक है? दोनों को कब तक अपन के? 4 मिनट तक। तो 4×1 = 4×15 मतलब 7/15 भाग भर चुका है। हम पूरा कार्य और पूरा टंकी हमेशा क्या लेके चलते हैं? एक लेके चलते हैं, और एक में 7/5 भाग यहाँ पर क्या चुका? भर चुका है। तो भरना कितना भाग बचा है? 8/15 भाग भरना है, और उसको भर कौन रहा है? बी। बी पूरे टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन अपने को पूरा टैंक नहीं भरना है। अपने को भरना कितना है? सिर्फ 8/15। तो इसे मल्टीप्लाई किए 5 से 4 बार में 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32/3 मतलब 10 × 2/3 मिनट, ठीक है? अब ये भी आपको बोला है कि आपको याद रखना है, ये भी आपको शेष टैंक नहीं बोला, आपको पूरा टैंक बोला है। पूरा टैंक मतलब शुरू में इन लोग भी तो 4 मिनट तक खोले थे भाई, तो 4 मिनट के साथ में अगर मैं 10 × 2/3 मिनट को और जोड़ दिया तो कितना हुआ हमारे पास? 14, है ना? 14 × 2/3 मिनट हुआ, ठीक? तो ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, ऑप्शन में सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 2/3 को अगर हमने क्या किया, इस 2/3 को अगर 60 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, 20 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, तो हमारा आंसर 14 मिनट और साथ में कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण भरने में 3 घंटे का समय लगता है। रिसाव से भरे टैंक को सारा पानी निकालने में कितना दिन लगेगा, ठीक? कितना समय आपको लगेगा? अगर पहला पाइप आपको वो एक्स में यहाँ पर एक्स घंटे या एक्स मिनट में यहाँ पर क्या कर सकता है? फिल हो सकता है। लेकिन अगर सपोज टैंक में यहाँ पर क्या आपके पास लीकेज है, आपके पास लीकेज है या आपके पास छेद आए, उस छिद्र होने के कारण क्या कर रहा है आपको उसको भरने में एक्स की जगह आपको वाई घंटा लग रहा है, ठीक है? और अगर सपोज टैंक पूरा भरा हुआ होगा तो वह उसको कितनी देर में खाली करेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है x(y)/y-x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर भरने में यहाँ पर कितना ले रहा है? 2, और यहाँ पर कितना ले रहा है? 3। तो ये हो जाएगा 2×3/3-2। तो 6/1 = क्या होगा? 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। आपको बोला है कि यहां पर एक पाइप ए है और यहां पर बी है। अगर दोनों मिलकर उसको भर रहे हैं तो कितना लग रहा है आपके पास? 6 मिनट लग रहा है। एक कंडीशन ये बोल रहा है टैंक को भरने में ए बी से 5 मिनट कम लेता है। ए बी से 5 मिनट कम लेता है। अगर ये एक्स मिनट लिया तो ये कितना लेगा? ये लेगा x-5 मिनट, ठीक? वन डे कॉन्सेप्ट में चले तो इसका 1 घंटे का या इसका 1 मिनट में ए उस टैंक को कितने भाग भरेगा? 1/x-5, और बी भरेगा 1/x, और दोनों मिलके 1/6, ठीक है? अब क्या होगा कि अब आपके पास क्या होगा? अगर हमको ये दोनों हम लेके चले, दोनों हम यहाँ पर क्या करें, लेके चले, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका महत्तम निकालेंगे, सॉरी इसका लघुत्तम निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो क्वालिफिकेशन बनेंगे। उतना टाइम हमारे पास तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आपके पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को रखते हुए चलेंगे। एक बार आप 10 को रखेंगे, एक बार 12 को रखेंगे, एक बार 15 को रखेंगे, फिर उससे अपन चेक करेंगे। उससे आसान तरीका क्या है? इसको हम 2 के मल्टीपल में बांटेंगे, जिसके बीच यहाँ पर इसको गुणनखंड मतलब मल्टीप्लाई में कैसे तोड़ सकते हैं? एक तो 6×1, और दूसरे यहाँ पर क्या सकते हैं? 2×3। यहाँ तक आया? समय कम ज़्यादा कितना लग रहा है? याद रखना फैक्टर्स कितने हैं? 2 और 3 फैक्टर्स है। समय कम ज़्यादा कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 10, और यहाँ पर कितना आया? 15। तो मतलब जो फास्टर है वो आपका 10 मिनट, मतलब ये 10 मिनट, और जो स्लोअर है, जो देरी से भर रहा है, वो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। आपको पूछा किसका है? बी का पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। बहुत बार आपको टिक से करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा किस तरीके से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान देखना, आपको गुना वाला किस तरीके से बनेगा, दोनों चीजें बताऊंगा, कम स्पीड वाला, ज्यादा स्पीड वाला, दोनों बताऊंगा आपको।
पाइप ए कैन फिल अ टैंक पाइप ए कैन फिल टैंक थ्री टाइम्स फास्टर इन कंपैरिजन टू बी. फास्टर कौन हुआ? ए हुआ. जो फास्टर होगा वो जल्दी टैंक को भरेगा, उसको दिन क्या होगा कम लगेगा, मतलब उसको जो टाइम फैक्टर होगा उसको क्या लगेगा कम लगेगा, और जो स्लोली स्लोली उसको फिल करेगा उसको टाइम फैक्टर यहाँ पर क्या लगेगा उसको ज्यादा लगेगा. और दोनों मिलके उसको यहाँ पर क्या करे अपने पास 36 मिनट में पाइप ए और बी यहाँ पर क्या कर रहा है भर रहा. तो ए का हुआ और बी का हुआ, ठीक दोनों तरीके बता रहा. पाइप ए बी की तुलना में टैंक को 3 गुना तेजी से भर सकता है. तो अगर एफिशिएंसी का बात होगा तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, और जब नंबर ऑफ डेज के बारे में बात करेंगे तो ये 1x डे लेगा और ये कितना लेगा 3x डे लेगा. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एफिशिएंसी में 3:1 हुआ, डेज में क्या हो जाएगा 1x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हमारे पास हो जाएगा. ठीक, इसका एक मिनट का काम, यहाँ पे मिनट है क्योंकि ए क्या कर रहा है टैंक को फिल कर रहा है मिनटों में. तो ए का एक मिनट का, ए का एक मिनट का कितना होगा 1/x होगा, बी का एक मिनट का कितना होगा 1/3x होगा, और दोनों का कितना होगा 1/, यहाँ पर क्या होगा 36 होगा. ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 3+1 होगा और यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा 36. ये किए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 36 × 4 बराबर यहाँ पर क्या होगा 3x हुआ. x निकाल तो एक बार में 12 × 12 = 12 कितना हुआ 48. इसका मतलब पाइप ए जो है 48 और पाइप बी है 144. ठीक है, पूछा किसका, बी का पूछा है, तो 144 हमारे पास आंसर हो जाएगा. इसको एकदम सरल मेथड में सीखते हैं. दोनों मिला के कितना बोला है 36. ठीक है, एफिशिएंसी कितना हमारे पास 3 और 1 का एफिशिएंसी है, तो 3+1. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, और यहाँ पर क्या दिया है 1. निकालने किसका बोला है, बी का निकालने बोला है, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ 36 × 4 = 144. अब अगर सपोज ए का बोला है तो 36 × 3 और 1 कितना हुआ 4, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 एक बार में 12 × 12 = कितना हुआ 48. अब हम देखते हैं हमको पूछा किसका है, हमको बी का पूछा, इसलिए 144 हमारा आंसर होगा. एफिशिएंसी में आप ये वाला मेथड जा सकते हैं. ठीक है, वो अपन जब टाइम एंड वर्क करेंगे ना, टाइम एंड वर्क में अगर आपको बोलेगा कि दोनों मिलकर इस काम को इतने देर में कर सकते हैं तो अब इसको हम करेंगे. लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है. ठीक, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 16 घंटे भर सकते हैं. अकेले पाइप बी को 1/4 समय के लिए खोला जाता है. ठीक है, 1/4 समय के लिए क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है, और दोनों पाइपों को शेष समय के लिए खुला रखा जाता है. तो टंकी भरने में कितने घंटों में टंकी पूरी भर जाएगी. ठीक, तो हम ये जानते हैं, हमको पहले ही मालूम है कि 4 के लिए प्रथम 4 घंटे के लिए 1/4 समय, 1/ क्या दिया है 4 समय दिया है. किसका बोला है, बी का बोला है, तो बी यहाँ पर कितना दिया है 16, तो 16 का जो 1/4 समय हुआ ऑटोमेटिकली वहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 4 घंटा हुआ. तो 4 घंटे के लिए बी को खोला गया है, और अगले एक्स घंटे के लिए किसको खोला गया है, ए को भी खोला गया है और बी को भी खोला गया है, और ये टैंक को यहाँ पर भर दिया गया, ऐसा ही बोला यहाँ पर. ठीक, तो ए जो है एक घंटे में 20 है, और बी सॉरी ए का एक घंटे में कितना होगा 1/20 होगा, बी का एक घंटे में कितना होगा 1/16 होगा. तो ये 4 × ये हुआ 1/16 प्लस एक्स इंटू ये हुआ 1/20 प्लस 1/ क्या हुआ 16 = क्या हो गया 1, एक बार में 4 बार में. तो ये 1/4
प्लस एक्स इंटू यहाँ पर देखें 20 और 16 कितना हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास इसका 80 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ और यहाँ पर 5 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, ये 1/4 यहाँ आके माइनस हुआ, तो इक्वेशन जो हमारे पास बचा है ना वो हमारे पास बचा है एक्स इंटू 9/80 बराबर 3/4। ठीक, 4 एक बार में, 4 20 बार में, 3 एक बार में, 3 तीन बार में, तो x बराबर कितना हो गया 20/3 मतलब 6 2/3 घंटे, मतलब जो शेष टंकी है ना, शेष टंकी आपका क्या हो जाएगा 6 2/3 घंटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा भर जाएगा, लेकिन आपको टंकी कितने देर में भरा है बोलेगा, तो स्टार्टिंग में तो बीबी तो खुला है ना भाई 4 घंटे के लिए, तो 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 2/3, ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हमको ऑप्शन में नहीं दिया तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी है, एक पानी की टंकी 2/5 भरी है, मतलब पूरा टैंक फिल नहीं है, इसका सिर्फ 2/5 भाग यहाँ पर क्या है फिल है। ठीक है, इसमें यहाँ पर पानी आपका भरा हुआ है, तो कितना भाग आपके पास खाली है 3/5 आपके पास खाली है। ठीक है, पाइप ए है, ए क्या कर रहा है उसको 10 मिनट में क्या कर रहा है फिल कर रहा है, और पाइप बी क्या कर रहा है उसको 6 मिनट में यहाँ पर क्या कर रहा है खाली कर रहा है, निकलने का स्पीड ज़्यादा है और भरने का स्पीड आपको क्या है कम है, तो इसका मतलब टंकी अगर दोनों, अगर पूरी टंकी अगर आपको दिया हुआ है, आपको पूरी टंकी दिया हुआ है और दोनों नल एक साथ खुला जाए तो टंकी में पानी कभी बचेगा ही नहीं, क्यों, निकलने का स्पीड बहुत ज़्यादा, भरने का स्पीड कम है, तो जितना पानी भर रहा है ना उससे ज़्यादा निकल रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम ये दोनों को देख के समझ गए हैं कि टंकी क्या होगा खाली होगा, क्या होगा टंकी यहाँ पर क्या होगा खाली होगा, कभी भी आपको आपको भरा हुआ आपको नहीं मिलेगा, और अगर सपोज आपको 2/5 भरा हुआ है इसका मतलब इसका जो लेवल है ना कभी ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा क्या होगा लेवल क्या होगा कम होगा, क्योंकि निकलने की स्पीड आपका ज़्यादा है ना। ठीक है, अब अगर दोनों एक साथ खोले तो पूरी टंकी का देख लेते हैं, पूरी टंकी को 1/10 - 1/6 लघुत्तम हमारे पास कितना हुआ, इसका लघुत्तम हमारे पास हुआ, इसका लघुत्तम हुआ 30, यहाँ किए तो कितना हुआ हमारे पास 3 - 5 - 2/30 मतलब -1/15। ये माइनस शो क्या शो कर रहा है कि पूरी टंकी 15 घंटे में या 15 हाँ पूरी टंकी 15 मिनट में क्या होगा खाली होगा, अगर टंकी पूरा भरा होगा ना तो क्या होगा 15 मिनट में यहाँ पर क्या होगा खाली होगा, लेकिन पानी भरा कितना है सिर्फ 2/5 भरा है, तो इसी को तो खाली करना है ना भाई एक बार में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 6, मतलब अगर टंकी आपका 2/5 भरा हुआ है तो ये क्या करेगा 6 मिनट में क्या करेगा उसे क्या कर देगा खाली कर देगा जब दोनों एक साथ खोलेंगे। ध्यान देखिए, उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है, शानदार। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क सेशन। ध्यान से देखिए भाई ना, ठीक, अब यहां पर क्या बोलता है, एक टैप है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे भर सकता है, ये आपका नल है, ये इसको कितने घंटे में भर सकता है, यह इसको 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है ना, तो अब समझते हैं, अगर एक यहां पर टंकी के आधा भर जाने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल जाते हैं, मतलब अब 1 2 3 और 4 सभी कितने हैं 6 6 वाले, तो एक चीज समझते हैं, अगर एक जो है एक नल इसको अगर पूरी टंकी को 6 घंटे भरता है, अगर एक की जगह अगर मैं 4 नल लगाया तो अब इसमें टाइम क्या होगा बहुत कम लगेगा, क्योंकि चारों के चारों एक साथ भर रहे हैं ना तो जल्दी भराएगा। ठीक है, तो मैं बोला एक नल कितना घंटा ले रहा है 6 घंटा ले रहा है, तो 4 नल कितना लेगा एक्स लेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, तो क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है 4x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/4 मतलब क्या होगा 3/2 घंटा, मतलब अगर मैं सपोज चारों नल को एक साथ खोला
तो 3/2 घंटा, इसका मतलब 3/2 गुणित यहाँ पर 60 किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो पूरी टैंक को मैं 1.5 घंटे में या उसको 90 मिनट में फुल कर सकता हूं अगर पूरा टंकी होगा तो। लेकिन कंडीशन क्या बोला, टंकी के आधा भर जाने के बाद 3 नल और खोल रहा है, आधा भर जाने के बाद 1 नल उसको 6 घंटे में ले रहा है, तो आधा भरने में उसको कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, और उसके बाद 3 नल और खोल रहा है, 3 नल और खोल रहा है, इसका मतलब अब कितने नल है अपने पास, हमारे पास 4 नल है ना भाई, 4 नल है हमारे पास, तो 1 नल 90 मिनट लेगा, ठीक, सॉरी 4 नल क्या रहेगा, पूरी टैंक को भरने में 90 मिनट लेगा, पूरी टैंक को कितना लेगा, 90 मिनट लेगा, तो आधे टैंक का, क्योंकि आधा तो भर चुका है ना 3 घंटे में, तो आधे के लिए कितना समय लेगा, ये लेगा 45 मिनट और लेगा, कितना लेगा 45 मिनट क्या करेगा और लेगा, तो पूरी टैंक कितने देर में भरेगी, 3 घंटा और 45 मिनट, ये हमारा आंसर आएगा, ये आपको दिया, ठीक, ध्यान देख लीजिए। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का सेशन था, अगले सेशन आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आते हैं, ठीक है, तब साथ में बने रहेगा। इस वीक आपको पहले से बोल रहा हूँ, आप लोग मान लो कोई से बुक से पढ़ते हैं, CGPSC प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व कर रहा है, उन सारे क्वेश्चनों में अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कोई सा भी डाउट जा रहा है, उन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। जब मैं सैटरडे लाइव सेशन पे आऊँगा तो उस लाइव सेशन में क्या करेंगे आप, उसको वहाँ पर क्या करेंगे, उसको अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो अप्रोच हो और मैं जो अप्रोच बताऊँ थोड़ा सा वेरिएट हो और आपको सिंपल तरीके से आपको आसानी से आपको समझ में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए